हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। आज हम क्रिस्पी एंड टेस्टी बेबी कॉर्न टिक्का बनाएंगे, जो बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो, नहीं तो लंच और डिनर में भी बनाकर खा सकते हो। रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 4 कप पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें बेबी कॉर्न डाल देंगे। मैं यहाँ पे 8 बेबी कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। और हम इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। मीडियम फ्लेम में रख रही हूँ मैं। 3 मिनट्स हो गए हैं, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इस बेबी कॉर्न को निकाल लेते हैं, इसमें से पानी ड्रेन कर लेते हैं। और अब हम मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप थिक कर्ड लिया हुआ है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो फिर आप रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। हमारा मैरिनेशन अभी रेडी है, अब हम इसमें बेबी कॉर्न डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे हाथ से। सब अच्छे से कोट हो गए हैं, अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। आज हम बेबी कॉर्न टिक्का बना रहे हैं, इसलिए मैं बैम्बू स्टिक्स यूज कर रही हूँ। अभी हम इस बैम्बू स्टिक्स को बेबी कॉर्न में एक एक करके डालते जाएंगे। ऐसे ही मैं सभी बैम्बू स्टिक्स बेबी कॉर्न में डालते जाऊंगी। इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। जैसे ही गर्म हो जाएगा पैन, हम इसमें मैरिनेटेड बेबी कॉर्न डाल देंगे फ्राई करने के लिए। पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें बेबी कॉर्न रख देंगे। मैंने इसे लो फ्लेम में रखा हुआ है। जैसे ही एक साइड फ्राई हो जाएगा, मैं दूसरे साइड में इसे टर्न कर दूंगी। ऐसे ही हमें सभी साइड फ्राई कर लेने हैं। अब हम इस बेबी कॉर्न को टर्न कर लेते हैं। और इसे दूसरे साइड पे भी फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम में मत रखिए, लो फ्लेम में रखिए इसे। आप इसे टर्न करते रहिए, जिस साइड पे भी फ्राई नहीं हुआ है उस साइड पे आप उसे ऐसे ही टर्न करते रहिए, क्योंकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी भी बन जाए। आप इसे इवनिंग स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, नहीं तो लंच और डिनर के साथ भी बनाकर इस बेबी कॉर्न टिक्का को खा सकते हैं। मैं सभी साइड्स अच्छे से इसे फ्राई कर लेती हूँ। बेबी कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गए हैं सभी साइड से और क्रिस्पी भी बन गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और बचे हुए 4 बेबी कॉर्न हैं, मैरिनेटेड बेबी कॉर्न है, उसे भी फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। बेबी कॉर्न टिक्का रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको बेबी कॉर्न टिक्का रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय फ्रेंड्स।